खेतिया के निकट ग्राम मोरतलाई के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर चोपड़ा ने अपने समर्थकों के साथ कल देर शाम पुलिस थाना खेतिया पहुंचकर एक आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अरुणाबाई अनिल भाजपा के ही बागी प्रत्याशी चंद्रकला पंडित से चुनाव हार गई, जिसके चलते प्रत्याशी के रिश्तेदारों ने गाँव में कुछ अन्य लोगों के साथ भी धमकाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता चोपड़ा ने बताया कि अनिल रंजीत सहित अन्य का कहना है कि मैंने चुनाव हरवाया है, जिससे उनकी पत्नी को नीचा देखना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित का कहना है कि उन्होंने इस वजह से चुनाव में 12-13 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिस वजह से वह मुझ पर और गांव के अन्य लोगों को धमकाते हुए फिर रहे हैं। मुझे वह मेरे परिजनों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जिसके चलते भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने भाजपा नेताओं पर असहयोग की वजह से दुर्व्यवहार किया, जिसे भाजपा नेता ने आज खेतिया थाने पर आवेदन दिया है। चुनाव की रंजिश के साथ अब भाजपा की अंदरूनी लड़ाई भी सामने आ रही है। खेतिया से सरचित्ते चित्ते की रिपोर्ट। आज मारपीट लड़ाई झगड़े का मामला आया था, अभी मारपीट हुआ नहीं, लेकिन नंदू मोरतलाई के रहने वाले हैं, उनके साथ में उनके ही गाँव के लोगों के द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रकरण आया था, जिसको प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, ये तो अभी आइडिया नहीं है क्या राजनीतिक मामला है, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध किया है, राधे गांव का ही है। अच्छी इसमें आरोपी चार हैं, एक तो अनिल है, देव सिंह है, जगदीश है और शंकर बंजारा हैं, मोरतलाई के रहने वाले हैं। महोदय, आज जो मोरतलाई में जो घटना हुई उसके बारे में कुछ बताइए। आज रात को 8 बजे मैं घर के बाहर खड़ा था, मैं और मेरी मिसेज और मेरा जोड़ीदार सुदाम भाई, ये टांडे से अनिल पिता रंजीत, शंकर पिता बाबूलाल और जगदीश पिता रंजीत और देव सिंह महारू, चारों जन आके नंगी नंगी गाली गलौज करने लगे मेरे साथ में, राजनीतिक द्वेष से। और मेरे भाई को भी इन्होंने घर पे ले दुकान पे जाके गंदी गंदी गालियाँ दी, नंगी नंगी गालियाँ दी। अच्छा, ये राजनीतिक संबंधित मामला है कि घरेलू आपसी मामला है? ये राजनीतिक संबंधित मामला है। अभी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव है जनपद पंचायत के, उसमें ये बीजेपी की तरफ से खड़ा था और निर्दलीय प्रत्याशी जीता था, उसमें ये चुनाव हार गया, तो इसका कहना पड़ता कि मैंने इसको चुनाव हारवाया, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। अच्छा महोदय, तो इसके खिलाफ आपने क्या योजना दायर की? मैंने अभी थाने पे रिपोर्ट लिखाई है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी है इन्होंने, तो खेत में जाता है रात बेरात, हम चारों भाइयों को निपटा देंगे तुमको और गांव छोड़ के भगा देंगे, मेरी मिसेज को भी गंदी गंदी नंगी गालियां दी इन्होंने और मेरे को जान से मारने की धमकी दी। और इसने बोला कि मैं सट्टे पत्ते वाला आदमी हूँ, 77 लाख रुपए मेरी उधारी है तुम्हारे ऊपर पत्ते खेलने की, वो पैसे भी दो, 13 लाख रुपए चुनाव में खर्चे हो गए, ऐसा 1 करोड़ रुपए होता है मेरा और ये पत्ते काटना चलाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।